أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. لفظ قل کا آپ سب کو معلوم ہے، کہہ دیجئے. قل کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے، یا ایہا کا ترجمہ کریں گے اے وہ لوگو، اے وہ لوگو. الکافرون انکار کرنے والو، کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا. کافر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا. تو کافرون اس کا پلورل ہے، جمع ہے. اسی طرح کافرین بھی پلورل ہے اور کافرون یہ بھی پلورل ہے، جمع ہے. دونوں کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والے. آپ کہہ دیجئے کہ اے انکار کرنے والو، لا اعبدو کا معنی ہے میں عبادت نہیں کروں گا، میں عبادت نہیں کرتا. لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا. ما جن کی، ما کا معنی ہوتا ہے جن کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی، تعبدون جن کو تم پوچھتے ہو، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوچھتے ہو. ولا انتم، ولا انتم اور نہ ہی تم، نہ کا معنی ہے نہیں، نہ ہی. انتم تم، عابدون عابدون عبادت کرنے والے ہو. عابد کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والا، جیسے بتایا کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا، اسی کے وزن پر عابد اس کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والا. کافرون یہ پلورل ہے عبادت انکار کرنے والے، تو عابدون یہ بھی پلورل ہے، جمع ہے عبادت کرنے والے. عابدین بھی ہو سکتا ہے اور عابدون بھی ہو سکتا ہے. ولا انتم عابدون اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو. ما اس ذات کی، ما اس ذات کی، اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو اس ذات کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا اور نہ ہی، بلا اور نہ ہی، انا
अना का माना होता है मैं, आबिदुन इबादत करता हूं, इबादत करने वाला, वला अना आबिदुन और ना ही मैं इबादत करूंगा, मां उस चीज की इबादत तुम, जिनको तुमने पूजा है, जिसकी तुमने इबादत की है, वला अंतुम और ना ही तुम आबिदूना इबादत करोगे, मा आबुद उस जात की जिसकी मैं इबादत कर रहा हूं, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन है, वली दीन और मेरे लिए मेरा दीन, लकुम दीनुकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, वली दीन वली और मेरे लिए दीन मेरा दीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबको मालूम है कि इस सूरत को सूरतुल काफिरून कहते हैं और हम सब इस सूरत को अक्सर नमाजों के अंदर भी पढ़ते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर इस सूरत की तिलावत किया करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने तकरीबन 24 या 25 मरतबा खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप फजर से पहली की दो सुन्नतों में कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत फरमा रहे थे। और मगरिब के बाद की जो दो रकातें हैं उनमें भी 24 या 25 मरतबा मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि आपने सूरतुल काफिरून और सूरतुल इफ़लास की तिलावत की। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि फजर की सुन्नतों में पढ़ने के लिए ये दो सूरती, सूरह काफिरून और सूरह इखलास बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था और आपने तरगीब भी दी थी और तफसीर इब्न कसीर में मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन से मनकूल है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह की सुन्नतों में और मगरिब की बाद की सुन्नतों में बकसरत ये दो सूरतें पढ़ते हुए सुना है। इससे मालूम हुआ कि मुस्तहब ये है कि अक्सर अवकात आदमी फजर और मगरिब की दो सुन्नतों में ये दो सूरतें पढ़ें तो बेहतर है। अलबत्ता कभी कभार जो है तब्दील कर लेना चाहिए क्योंकि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तब्दील फरमा देते थे। बाज रिवायत से मालूम होता है कि वितर के बाद की दो नफले जो अक्सर आप बेड की अदा फरमाते थे उनमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर मामूल ये था कि पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात के अंदर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। इसी तरह रिवायात से ये भी मालूम होता है
जब आप तवाफ फरमाते थे तो तवाफ के बाद की दो रकातों में भी ये दो सूरतें पढ़ते थे। आप जानते हैं कि सात तवाफ के चक्कर लगाने के बाद दो रकातें अदा की जाती है और इनको दो रकात वाजिब और तवाफ नफल भी कहा जाता है और इनका पढ़ना जरूरी है, इनके बगैर तवाफ मुकम्मल ही नहीं होता। तो इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आपने पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी। और ये भी रिवायत में आता है कि बाद सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया तफसीर मारिफुल कुरान में हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनका नाम जिक्र नहीं किया, लेकिन बाज रिवायात में हजरत जैद बिन हारिसा के भाई हजरत जबर इबन हारिसा और हजरत नौफल इबन मकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मुख्तलिफ मौक़ों पर अलहदा अलहदा आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आप हमें कोई चीज बता दीजिए जो हम सोने से पहले पढ़ा करें। तो आपने उन्हें सूरह काफिरून की तलकीन फरमाई और फरमाया فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ कि इस सूरत के अंदर शिर्क से बराअत है, इसीलिए हमारे सारे बुजुर्ग इसकी तलकीन करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर ख्वातीन व हजरात का मामूल भी होगा कि रात को सोने से पहले चारों कुल यानी कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, सूरह फातिहा, आयत कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी दो आयात आमनुर रसूल से लेके आखिर तक सोते वक्त पढ़ती हैं। बमुश्किल इस अमल पे 5 मिनट लगते होंगे, लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आपने इनकी तरगीब भी दी है। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने लिखा है कि हज़रत जुबैर इब्न मुतअइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम ये चाहते हो कि जब तुम सफर में जाओ तो वहाँ तुम अपने सब साथियों में ज्यादा खुशहाल और बामुराद रहो और ज्यादा ज्यादा सामान हो जाए। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह बेशक मैं ऐसा ही चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद की आखिर की जो 5 सूरतें हैं सूरह काफिरून, नसर, इखलास, सूरह फलक, सूरह उन्नास, इन्हें पढ़ा करो। हर सूरत को बिस्मिल्लाह से शुरू करो और बिस्मिल्लाह ही पर ख़त्म करो। तो हज़रत जुबैर इब्न मुतअइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं उस वक्त मेरी हालत ये थी कि सफ़र में अपने दूसरे साथियों के मुकाबले में मेरे पास पैसे भी कम थे और खस्ता हाल भी रहता था, लेकिन जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पे अमल किया तो मैं सफर के अंदर सबसे बेहतर हाल में रहने लगा। इसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिच्छू ने काट लिया
तो आपने पानी और नमक मंगवाया और पानी में नमक मिलाकर काटने की जगह पर लगाते जाते थे, और कुल या अय्युहल काफिरून कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते थे। तो ये सब रिवायात आपके सामने हैं, लिहाजा इन सूरतों को अपने मामूल में ले लेना चाहिए और इनको पाबंदी से पढ़ने का हमें एहतमाम करना चाहिए। अगर आप गौर से देखेंगे तो मालूम होगा कि कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद का खुलासा ला इलाहा इल्लल्लाह है, क्योंकि कुल या अय्युहल काफिरून में माबूदाने बातिल की नफी है कि बातिल माबूदों की इबादत नहीं हो सकती, जो इबादत के गलत तरीके हैं उनकी पैरवी नहीं हो सकती। हमने तो सिर्फ अल्लाह को मानना है जो समद है, लम यलिद वलम यूलद है वलम यकुल लहु कुफुवन अहद है। तो गोया ये दोनों सूरतें मिलके ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम पैदा करती है। इस सूरतुल काफिरून का एक खास शान नुज़ूल है जो सारे मुफस्सिरीन ने लिखा है। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है कि काफिरों के चंद सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनमें वलीद इब्न मुगीरा, आस बिन वाइल, अस्वद इब्न अब्द मुत्तलिब, उमैया इब्न खलफ शामिल थे। ये सब के सब काफिरों के बड़े लीडर थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके कहा कि आप हमारे बुतों को बुरा भला ना कहा करें और हमें बुतों की इबादत से ना रोकें। आपको अगर सरदार बनने का शौक है तो हम आपको सरदार बना लेते हैं, आपको अगर निकाह का शौक है तो हम आपका निकाह बेहतरीन और खूबसूरत औरतों से करा देते हैं, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो हम आपको पैसे दे देते हैं। गर्ज कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह की पेशकश की, लेकिन जाहिर है कि आप तो दीन को फैलाने और लोगों को दोजख से बचाने के लिए मबऊथ हुए थे। तो आपने वही फरमाया कि सूरह सबा की आयत नंबर 46 में है, इन हुआ इल्ला नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद, कि मैं तो सिर्फ शदीद अज़ाब से डराने ही के लिए आया हूँ, मैं तो सिर्फ शदीद अज़ाब से डराने के लिए ही आया हूँ। तो तुम लोग अल्लाह ताला के अज़ाब से बचने की कोशिश करो जो मरने के बाद होगा। तो ये किस्सा तो खत्म हो गया। उसके कुछ अरसे के बाद फिर यही सरदार दोबारा आए और कहा कि हम सुलह की एक सूरत आपके सामने लेके आए हैं, आप दीन के बारे में हमारी साथ सुलह कर ली। ये काफिर अल्लाह ताला को तो मानते थे, लेकिन इतनी बात है कि वो बुतों के साथ शिर्क करते थे, यानी ये लोग बुतों को अल्लाह ताला की जात, सिफात और इबादत में शरीक ठहराते थे। 21वें बारे में साफ लिखा हुआ है, वला इन सअलतहुम मन खलकस समावाति वल अर्द लयकूलुन अल्लाह, कि अगर आप उनसे पूछें कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया तो ये कहेंगे अल्लाह ने। काफिर ये समझते थे ये बुत हमें अल्लाह ताला तक पहुंचाने वाले हैं। अल्लाह पनाह में रखे, आज़ान अल्लाहु मिन ज़ालिक, इसीलिए उनको मुशरिक कहा जाता है।
बहरहाल ये मुशरिक लीडर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और सुलह की ये सूरत आपके सामने रखी कि ऐसा करें कि एक साल हम आपकी इबादत का तरीका इख्तियार करें, एक साल आप हमारी बुत परस्ती का रास्ता इख्तियार कर लें, फिर देख लें कि किस में फायदा ज्यादा है। तो ये बात सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, हालांकि ये बात तो ऐसी थी कि यार हाल में रद्द ही करना था, क्योंकि बुत परस्ती का तो कोई इम्कान ही नहीं था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर आदत मुबारक ये थी कि आप अक्सर वाही का इंतजार फरमाते थे, हत्तुल इम्कान अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं देते थे, वही नाजिल हो जाती थी तो जवाब दे देते थे, और अगर वही नाजिल नहीं होती थी तो फिर अपनी फहम और कुरान की हिदायत के मुताबिक जवाब दिया करते थे। इसीलिए रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज मौके पे कसरत से आसमान की तरफ नजर फरमाया करते थे, तो गोया आप वही का इंतजार करते थे कि वही आ जाए। वो आपने उनकी उस गलत बात को भी फौरन रद्द नहीं किया बल्कि खामोश हो गए, यहां तक कि ये सूरत नाजिल हुई और आपने उनको पढ़कर सुना दी। कुल या अय्युहल काफिरून, क्या आप कह दीजिए कि ए इनकार करने वालो, ला अबुदु मा ताबुदून, मैं इबादत नहीं करता उन बुतों की जिनको तुम पूछते हो, वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और ना तुम इबादत करते हो उस जात की जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ ये बात फरमा दी। एक मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी अनन नजीरुल मुबीन, मैं तो खुलम खुला डराने वाला हूं। तो आपने साफ साफ बता दी ये सुलह हरगिज नहीं हो सकती। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस सूरत की तफसीर में बड़ी प्यारी बात लिखी है कि सुलह जो है इंसानी हकूक में हो सकती है, लेकिन उसूल दीन पर सुलह नहीं हो सकती, अल्लाह ताला के अहकाम पे सुलह नहीं हो सकती। इस बात पे तो सुलह हो सकती है कि हम 10 साल आपसे जंग नहीं करेंगे, 10 साल तक आप हमसे जंग ना करें, और ये सुलह आपने मुशरिकीन मक्का से सुलह हुदैबिया में की है, जिसमें ये बात तय हुई थी कि 10 साल तक तुम हमारे खिलाफ जंग नहीं करोगे, हम तुम्हारे खिलाफ कोई जंगी इकदाम नहीं करेंगे। ये सुलह हुई, लेकिन ये सुलह इंसानी हकूक में है, लेकिन अकायद और शरी अहकाम में सुलह का कोई सवाल नहीं है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक साफ साफ फरमा दिया कि कुफर करने वालों, ऐ काफिरों, मैं इबादत नहीं करता उन बुतों की जिनकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम इबादत करते हो उस जात की जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना मैं इबादत करूंगा उन बुतों की जिनकी तुमने इबादत की, और ना तुम इबादत कर रहे हो उस जात की जिसकी मैं इबादत कर रहा हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। क्या मतलब? इबादत में ये सुलह नहीं हो सकती।
अकायद पर ये सुलह नहीं हो सकती, क्योंकि तौहीद और शिर्क एक जगह जमा नहीं हो सकती। एक जर्रा के बराबर भी शिर्क तौहीद के साथ जमा नहीं हो सकता। और यहां पर सूरह काफिरून में जो बात बयान की गई है, वही बात कुरान मजीद की सूरह जुमर में भी बयान की गई है 24वें पारे में। قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون कि ए जाहिलो, क्या तुम मुझे ये हुक्म देते हो कि मैं अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करूं? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين। हालांकि वही आई है मेरी तरफ भी और मुझसे पहले जितने अंबिया गुजरे हैं उनकी तरफ भी कि अगर तुमने शिर्क किया तुम्हारा सारा अमल खत्म हो जाएगा और तुम खसारे वालों में से हो जाओगे। लिहाजा तौहीद और शिर्क के दरमियान सुलह नहीं हो सकती। सुलह जो है इंसानी हकूक में हो सकती है, मामलात में हो सकती है, बल्कि माली मामलात और दीगर मामलात में सुलह का रास्ता बेहतर है। कुरान मजीद में आता है वस्सुल्हु खैर, लेकिन जब मामला आता है अकायद का, शरीयत के अहकाम का, तो उसके अंदर सुलह का कोई तसव्वुर नहीं है। अगर मानते हो तो मानो, नहीं मानते तो लकुम दीनुकुम वली दीन, तुम्हारे लिए फिर तुम्हारा दीन और मेरे लिए फिर मेरा दीन है। और ये ऐसी बात है जिसे कुरान मजीद ने एक और जगह में भी बयान किया है, वमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीन नार, सूरह कहफ आयत नंबर 29 में है कि जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफर करे, हमने जालिमों के लिए जहन्नुम तैयार करके रखी है। मानते हो तो मानो, नहीं मानते तो याद रखो कि आज़ाब तुम्हें खुद भुगतना होगा। हम तो साफ साफ तुम्हें डरा रहे हैं। अब ये समझिए कि इस सूरत की इब्तिदा में काफिरों को खिताब किया गया और कहा गया कुल या अय्युहल काफिरून, आप कह दीजिए ए इनकार करने वालों काफिरों। तो काफिरून का तर्जुमा है इनकार करने वाले, कफरा यकफुरू का माना है इनकार करना, और काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। वो इनकार करता है अल्लाह ताला की वजूद का, वो इनकार करता है तौहीद का, वो आखिरत का इनकार करता है, मौत के बाद की जिंदगी का इनकार करता है, हकायक का इनकार कर रहा है, इसलिए उसको काफिर कहा जाता है। और इसी के मुकाबले में मुमिन है, मुमिन का माना होता है मानने वाला, तस्दीक करने वाला। दिन को दिन कहना चाहिए और रात को रात कहना चाहिए। अब अगर कोई आदमी दिन को दिन ना कहे और रात को रात ना कहे, तो जाहिर है कि वो हकायक का इनकार कर रहा है। तो काफिर को काफिर इसलिए कहा जाता है कि वो खुले हकायक का इनकार करता है, वो खुले हकायक का इनकार करता है। फिर आगे फरमाया ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदु मा आबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद। अब काफिरों को खिताब करके दो मरतबा ये बात इरशाद फरमाई गई। पहले कहा गया कि मैं नहीं इबादत करता उन बुतों की जिनको तुम पूजते हो, और न तुम इबादत करते हो उस जात की
जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना मैं इबादत करूंगा उन बुतों की जिनको तुमने पूजा है, और ना तुम इबादत कर रहे हो उस जात की जिसकी मैं इबादत कर रहा हूं। तो कुरान मजीद ने एक ही बात को दो मर्तबा जिक्र किया है। पहले एक बात जिक्र की, फिर वही बात जिक्र की। अब देख रहे हैं कि पहली दो आयतों में ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और अगली जो दो आयतें हैं वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद, तो बजायर इन दोनों का मफहूम जो है और मजमूम एक जैसा ही है, तो ये तकरार किस लिए है, यानी इसको डबल क्यों जिक्र किया गया है? उर्दू में भी जब आप एक मरतबा बात कहते हैं तो बात मुकम्मल हो जाती है, लेकिन जब वही जुमला दोबारा कह दिया जाता है कि नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा, उसका मतलब ये होता है कि उसमें किसी किस्म की सुलह और मुसालहत का कोई इम्कान नहीं, यानी ये बात किसी भी कीमत पर नहीं मानी जाएगी। अरबी जुबान के अंदर ताकीद कहा जाता है, हर जुबान में बात को पुकारने के लिए और समझाने के लिए ताकीद इख्तियार की जाती है। तो गोया अल्लाह ताला ने पहले दो जुमलों में जो बात जिक्र फरमाई थी वही अगले दो जुमलों में भी जिक्र फरमा दी, ताकि ये बात खुलकर सामने आ जाए कि तौहीद और शिर्क इकट्ठे नहीं हो सकती, ये मुमकिन ही नहीं है कि तौहीद और शिर्क इकट्ठे हों। तो जो आदमी अल्लाह ताला को वहदहु ला शरीक मानेगा, वो कभी भी अल्लाह ताला की जात में, अल्लाह ताला की सिफात में और अल्लाह ताला की इबादत में किसी को शरीक नहीं कर सकता। मैंने तीन लफ्ज जात, सिफात और इबादत इसलिए जिक्र किए ताकि शिर्क की तारीफ भी आपके सामने वाज़ेह हो। शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क का मतलब है कि अल्लाह ताला की जात में किसी को शरीक किया जाए। जैसे बाज लोगों का ये अकीदा है कि खैर को पैदा करने वाला कोई और अल्लाह है, बुराई को पैदा करने वाला कोई और अल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये मजूसियों का अकीदा है। तो अगर अल्लाह ताला की ज़ात में शिर्क किया जाए तो वो भी शिर्क है, और शिर्क करने वाला मुशरिक और काफिर है। इसी तरह अगर अल्लाह ताला की सिफात में किसी को शरीक किया जाए कि अल्लाह सुबहानहु व तआला के लिए जो सिफात जिस तरीके से साबित हैं वही सिफात ठीक उसी तरीके से गैरुल्लाह के लिए भी साबित की जाए, तो ये भी शिर्क है। ऐसा आदमी मुशरिक और काफिर होता है। लेकिन अगर फर्क कर दे तो फर्क करने की वजह से कुफर से निकल जाएगा। अलबत्त ये हो सकता है कि उसको बिदाती और गुमराह कहा जाए या कुछ और कहा जाए। तीसरी सूरत शिर्क की ये होती है कि इबादत में किसी को शरीक किया जाए, जैसे आदमी अल्लाह ताला के सामने सजदा करता है, नऊज़ु बिल्लाह। अगर कोई इबादत करने वाला सजदा किसी और के सामने कर लेगा तो वो भी काफिर और मुशरिक होगा। तो इन किस्मों को शिर्क फिज़ात,
शिर्क फिल सिफात और शिर्क फिल इबादात कहा जाता है। तो जो मुशरिक फिजात है वो भी मुशरिक और काफिर है, और जो मुशरिक फिस सिफात है वो भी मुशरिक और काफिर है, और जो मुशरिक फिल इबादत है वो भी मुशरिक और काफिर है। और काफिर का मतलब काफिर है, बात साफ होनी चाहिए। शिर्क और तौहीद कभी जमा नहीं हो सकती, इसलिए अल्लाह ताला ने कलाम को मुकर्रर जिक्र फरमाया, डबल जिक्र फरमाया कि पहले दो आयतें जिक्र फरमाई, फिर इसी मजमून की दो आयतें दोबारा जिक्र फरमाई। तो अगर यहां ताकीद मुराद ली जाए तो गोए अल्लाह ताला ने ये बात दो बार दोहरा दी कि शिर्क और तौहीद एक जगह जमा नहीं हो सकती। और इस तरह तकरार जो है कुरान मजीद में बार बार आया है, जैसे फबी रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कई मरतबा आया है, तो इसको ताकीद कहते हैं। तो ये पहली सूरत ताकीद की हो गई, लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों आयतों के मफहूम में फर्क हो। चुनांचे कई मुफस्सिरीन ने इसी को इख्तियार किया है कि इन आयतों के मजामीन में फर्क है, पहली दो आयतों में और बाद की दो आयतों में फर्क है। पहली दो आयतें जमाने हाल से मुतालिक है, यानी प्रेजेंट से मुतालिक है, अभी जो जमाना मौजूद है इससे मुतालिक है, और बाद की दो आयतें जमाने मुस्तकबिल से मुतालिक है, यानी फ्यूचर से मुतालिक है। तो अगर पहली दो आयतें हाल से मुतालिक हों और बाद की दो आयतें मुस्तकबिल से मुतालिक हों तो तर्जुमा इस तरह होगा, मैं इबादत नहीं करता उन बुतों की जिनकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम इबादत कर रहे हो उस जात की जिसकी मैं इबादत कर रहा हूं। ये तो हाल का तर्जुमा हुआ। अब फ्यूचर का तर्जुमा, और मैं इबादत नहीं करूंगा उन बुतों की जिनकी तुमने इबादत की है, तुम भी इबादत नहीं करोगे उस जात की जिसकी मैं इबादत कर रहा हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरा मेरे लिए मेरा दीन है। तो इस सूरत में ये उन काफिरों से खिताब होगा जिनका ईमान लाना मुकद्दर ही नहीं था, जैसे वलीद इब्न मुगीरा, उमैया इब्न खलफ, आस इब्न वाइल, ये वो काफिर थे जो कुफर ही पे मरे, इनको तौहीद की तौफीक ही नहीं हुई। तो अब तक दो सूरतें हो गई, या तो इससे ताकीद मुराद ली जाए, और अगर तासीस हो यानी अलग अलग जुमला मुराद लिया जाए, तो तासीस के अंदर पहले दो जुमले हाल से मुतालिक है और बाद के दो जुमले जो है मुस्तकबिल से मुतालिक हैं। और तीसरी तौजीह अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह और बाद दीगर मुफस्सिरीन ने जिक्र फरमाई है कि पहली दो आयतों में भी बाद की दो आयतों में जो मा आया है तो पहले के अंदर मा मौसूला है और बाद की दो दो आयतें उनके अंदर मा मसदरिया है। तो गोया पहली दो आयतों में बातिल माबूद की नफी की गई है और बाद की जो दो आयतें हैं उनमें तरीक़े इबादत की नफी की है। नानशे इस तरीके से तर्जुमा यूं होगा कि मैं इबादत नहीं करता उन बुतों की जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, और तुम ना तुम इबादत करते हो उस जात की जिसकी मैं इबादत करता हूँ। और आगे जो दो आयतें उसका मतलब ये होगा, मैं इबादत नहीं करूँगा उस तरीके से जिस तरीके से तुमने इबादत की, और ना तुम इबादत कर रहे हो उस तरीके से जिस तरीके से मैं इबादत कर रहा हूँ, यानी जिस तरह तुम्हारा माबूद अलहदा है मेरा माबूद भी अलहदा है, इसी तरह तुम्हारा इबादत का तरीका कुछ और है मेरा तरीका भी इबादत का कुछ और है। मेरा तरीका इबादत तिलावत है, क़याम है, रुकू है, सजदा है, तुम्हारा तरीका इबादत बैतुल्लाह की गिर्द नंगे तवाफ़ करना है, सीटियाँ बजाना है,
तालियां बजाना है। जैसे कुरान मजीद में आता है वमा कान सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाअन व तस्दिया, सूरह अनफाल की आयत नंबर 35 है। ये वो बैतुल्लाह के पास आके सीटियां बजाते थे और तालियां बजाते थे और इसको इबादत समझते थे, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो गोया पहली जो दो आयतें हैं उनमें माबूदा ने बातिल की नफी हो गई कि जिन बुतों को तुम पूछते हो वो माबूद माबूदा ने बातिल है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक लहू की इबादत करता हूँ। और बाद की दो जो आयतें हैं उनमें बताया कि तुम्हारा तरीका इबादत बिल्कुल मुख्तलिफ है और मेरा तरीका इबादत मुख्तलिफ है। तो जब तुम्हारा माबूद मुख्तलिफ, मेरा माबूद मुख्तलिफ, तुम्हारा तरीका इबादत मुख्तलिफ और मेरा तरीका इबादत मुख्तलिफ, तो इस मामले में सुलह का कोई इम्कान ही नहीं। तो ये वो तौजीह है जिनको जिसको अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह और कई हजरात ने इख्तियार फरमाया। तो गोया तीन तौजीहात हो गई। एक चौथी तौजीह शेखुल इस्लाम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जिक्र फरमाई है। ये तफसीर उस्मानी आप लोगों ने देखी होगी, मशहूर किताब है तफसीर की, मुस्तनद तरीन किताबों में से है, तर्जुमा है ये। तो अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने लिखा है, तो उन्होंने चौथी तौजीह जिक्र फरमाई है कि जो दो पहले जुमले हैं उसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों की नफी की है, और अगले दो जुमलों में माजी का वाकया बयान किया। जब हम अरबी ग्रामर पढ़ते हैं उसमें बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद भी जब हम बच्चे थे तो हमने भी इसी तरह पढ़ा, ला अनसुरु, ना मदद करता हूँ ना मदद करूँगा, ये हाल और इस्तकबाल दोनों है। तो अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पहली दो आयतों में नफी है कि नफी हाल में और तुम इबादत में मुत्तफिक हो सकती हैं और ना आइंदा मुत्तफिक होंगे, और अगली जो दो आयतें हैं उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप उनसे कह दीजिए कि मैंने तो उस जमाने में जबकि मेरे ऊपर वही भी नाजिल नहीं हुई थी, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नहीं आए थे, अल्लाह ताला की तरफ से कोई पैगाम भी नहीं आया था, बहसत भी नहीं हुई थी, तो उस वक्त भी मैंने बुत परस्ती नहीं की, तो अब मैं कैसे बुत परस्ती कर सकता हूँ, क्योंकि जिस जमाने में मुशरिकीन मक्का मौजूद थे और शिर्क आम था उस वक्त भी कुछ लोग तौहीद ही पे जमे रहे, यानी उन्होंने बुत परस्ती इख्तियार नहीं की। उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, इसी तरह सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु भी थे और दीगर भी कुछ हज़रात थे कि वो बुत परस्ती को पसंद नहीं करते थे कि ये क्या हो रहा है, अपने हाथों से बुत बनाया उसी को पूजना शुरू किया, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो वला अना आबिदुम मा अबदतुम, कि ना मैं इबादत करूंगा उन बुतों की जिनको तुमने माजी में पूजा है, यानी माजी में जिन बुतों को तुम पूज चुके हो, मैंने तो कभी माजी में भी उनकी इबादत नहीं की, तो हाल और मुस्तकबिल में उनकी इबादत कैसे कर सकता हूँ। ये मुख्तलिफ चार नुक्ते हैं या चार तौजीहात हैं। फिर आखिर में फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन,
कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम मानते हो तो मानो, नहीं मानते तो याद रखो कि मैं तो अपना दीन नहीं छोड़ सकता। अगर तुम अपने बातिल दीन के ऊपर जमे रहते हो तो तुम खुद उसके जिम्मेदार हो। उससे ये भी मालूम हुआ कि एक मौका ऐसे आ जाता है कि आदमी को कहना पड़ता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो हक को थामे रखेंगे, हक की दावत देते रहेंगे। मानते हो तो मानो, नहीं मानते तो खुद जानो, तुम खुद जिम्मेदार हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां भी आखिर में साफ फरमा दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। और यही वजह है कि इस्लाम लाने में कोई जबरदस्ती नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीना मुनव्वरा के अंदर यहूदी भी थे, मुनाफिक भी थे, लेकिन आपने किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाया नहीं। खुद कुरान मजीद में है, ला इकराहा फिद्दीन, सूरह बकरा की आयत नंबर 256 है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदिना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खुलफ़ाए राशिदीन और बाद के सारे दौर में इस्लामी हुकूमत के मातहत काफिर रहते थे, और जो काफिर इस्लामी हुकूमत में रहते हैं उन्हें ज़िम्मी कहते हैं, तो उनकी जान, उनके माल, उनकी आबरू की जिम्मेदारी हमारी है। बल्कि उनको इजाजत होती है कि अगर वो अपने तरीके से इबादत करना चाहें तो कर ले, अपने बुतखाने में बुत बना के अपनी इबादत करना चाहे तो करते रहे, लेकिन इस शर्त के साथ वो इस्लामी हुकूमत के अंदर मुदाखलत ना करें, मुसलमानों को दीन हक से गुमराह ना करें। तो एक वक्त ऐसा आता है कि तबलीग और दावत के बाद ये कहना पड़ता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। एक और जगह में आता है, लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, सूरह बकरा की आयत नंबर 139 में, कि हमारे लिए हमारे अमाल है, वलकुम अमालुकुम और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं, तुम जैसा करोगे तुम खुद भुगतोगे, हम जैसा करेंगे उसके हम खुद जिम्मेदार हैं। तो एक आदमी की गलती की सजा दूसरे को नहीं दी जाती। कुरान मजीद में ये बात साफ साफ बता दी गई है, बनी इसराइल की आयत नंबर 15 में, वला तज़िरु वाज़िरतु विज़्र उख़्रा, कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ उठा नहीं सकता। यानी ये हो नहीं सकता कि आप दूसरों के गुनाहों के जिम्मेदार हो जाए। फर्ज करें कि किसी इलाके के अंदर कोई आदमी चुप के कोई गुनाह करता है, तो सवाल ये है कि जो गुनाह हुआ का मैं जिम्मेदार हूं या नहीं, या आप जिम्मेदार हैं या नहीं। तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी सारे लोगों के गुनाहों का जिम्मेदार हो। आदमी के जिम्मे सिर्फ ये है कि वो दावत व तबलीग का काम करे, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करे, हिकमत और मौईज़ा हसना के साथ दावत देता रहे यहाँ तक कि मर जाए और उसका इंतकाल हो जाए और वो अल्लाह ताला के पास पहुँच जाए। तो आदमी की बस यही जिम्मेदारी है, बाकी उसकी कोई मानता है या माने, नहीं मानता तो न माने।
अगर मारेगा तो उसका अपना फायदा होगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को कितना समझाया, कुरान मजीद में पूरा मुकालमा मौजूद है, लेकिन दुनिया जानती है और कुरान मजीद में लिखा है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिद मुसलमान नहीं हुए। तो क्या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिद की काफिर होने की जिम्मेदारी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर डाल सकते हैं? नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अतनू अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर था, अतनू अलैहिस्सलाम ने उनको कितना समझाया, कितनी दावत दी और ये कहा कि या बुनैया इरकब माना वला तकुम माल काफरीन, सूरह हूद की आयत नंबर 42 है कि ए मेरे प्यारे बेटे मेरे साथ कश्ती में आ जाओ और काफिरों में से मत हो जाओ। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह अदनू अलैहिस्सलाम अपने बच्चे के अमल के जिम्मेदार है? कैसे कह सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को दावत दी, यहाँ तक कि अपने चचा अबू तालिब को कितनी दावत दी, और आखिर में कहा कि ए चचा आप एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें ताकि मैं आपको अल्लाह के अजाब से बचा सकूं। लेकिन अबू तालिब ने कलिमा नहीं कहा। तो अब अगर अबू तालिब की मौत कुफर पर हुई है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसके जिम्मेदार नहीं है। और ये मैं इस वजह से आपको बता रहा हूं कि आज आम लोगों में ये अजीब बात चल पड़ी है और एक आलिम के लिए, मुफ्ती के लिए जरूरी होता है कि जो बात भी गलत चल रही हो उसकी एक मरतबा निशानदेही जरूर करे। कोई मानता है माने, नहीं मानता न माने। वो ये समझना है कि हम सारी उम्मत के अमाल के जिम्मेदार हैं या हम सारे लाहौर वालों के अमाल के जिम्मेदार हैं या हमारे माता जितने तुलबा पढ़ती हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूं तो वो जो भी गलती करेंगे तो उस्ताद उसके जिम्मेदार होगा। तो ये कैसी बात है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अभी मैं आपको दरस कुरान दे रहा हूं, दरस से उठ के कोई आदमी कहीं जाता है, कोई कहीं और जाता है, कोई अच्छा काम करता है, खुदा ना खासा अगर कोई आदमी गलत काम करे तो क्या मैं उसका जिम्मेदार होऊंगा? हाँ, अगर मेरे मुंह से खुदा ना खासा कोई गलत बात निकले, अल्लाह हिफाजत में रखे, तो उसकी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन ये समझना कि हर मुसलमान तमाम इलाके के इंसानों के अमाल का या तमाम उम्मत के अमाल का जिम्मेदार है और जितने गुनाह हो रहे हैं उन सब के जिम्मेदार हम है, ये बिल्कुल गलत है। मदीना मुनव्वरा में काफिर भी थे, मुनाफिक भी थे, यहूदी भी थे, तरह तरह की उल्टी सीधी हरकतें करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर दम तक उनको समझाते रहे, लेकिन उसके बावजूद कुछ मुनाफिक थे, मुनाफिक ही रहे, कुछ यहूदी थे, यहूदी ही रहे। लेकिन उन मुनाफिकों, काफिरों और यहूदियों के अमाल की जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पे कैसे डाली जा सकती है? तो इन मुकद्दस हजरात का जो काम था उन्होंने कर दिखाया। अंबिया अलैहिस्सलाम ने इतनी दावत दी और ऐसा भी हुआ कि दावत बहुत दी लेकिन दुनिया में उसका इतना नतीजा नजर ना आया। अतनू अलैहिस्सलाम को देखे कितने साल दावत दी, तकरीबन 950 साल कुरान मजीद में लिखे हुए हैं और ये भी लिखा हुआ है कि वमा आमन माहु इल्ला कलील, सूरह हूद की आयत नंबर 40 में, कि बहुत थोड़े लोग मुसलमान हुए। अब जो लोग मुसलमान नहीं हुए तो क्या उनके अमल की जिम्मेदारी नऊज़ु बिल्लाह नूह अलैहिस्सलाम पे हो सकती है? नूह अलैहिस्सलाम तो उसके जिम्मेदार नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम ने तो जो काम करना था कर दिया,
दावत दी, तबलीग कर दी, आखिर तक दावत देते रहे, तो बस उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई और उनके लिए आखिरत का अजर अजीम बेहिसाब मुकदर हो गया। तो इसी तरह हमें भी आखिरी दम तक तबलीग करनी चाहिए, अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना चाहिए, मरते दम तक लोगों को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन जब ये काम कर लिया तो अब जिम्मेदारी खत्म हो गई, उसके बाद अगर कोई मानता है माने, नहीं मानता तो वो जाने और उसका खुदा जाने। उसी को यहाँ फरमाया गया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। यानी अगर मानते हो तो मानो, अगर नहीं मानते तो तुम अपने अमल के खुद जिम्मेदार हो और आखिरत का आज़ाब बड़ा सख्त है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन सब बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए और फिर इन तमाम बातों पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।